वीडियो देखते देखते आए हैं और देखने के बाद बोल रहे हैं भैया ये आप ही का वीडियो है ना। तो ये भाई साहब बंगाल का मॉर्निंग, तो देख सकते हैं ये टिकट लेने के बाद बहुत लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और बहुत लोग करोड़ों रुपए गवा भी चुके हैं। क्या बात है भाई साहब, हमारे गांव का याद आ गया यार, एक बार ये मार्ट चेक करें भाई। तो भाई देख सकते हैं सुबह से ये गाड़ी यहाँ पे आया हुआ है लेकिन अभी लोडिंग इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है। आते टाइम ना रास्ते में हाथी अगर दिख रहा था भाई जंगल में भागते हुए, ठीक है। इनका काम है गाड़ी का बॉडी बनाना, गाड़ी का पेंटिंग करना, अच्छे से अच्छे कम रेट में छोड़ना। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग। भाई पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा वाराणसी से लोड किया था, आसनसोल मंडी में गाड़ी अगर खाली कर लिया था, लेकिन भाई रात को ना एक चोर पंचर इसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया था अपने गाड़ी में, तो दो तीन जगह भाई हवा निकल गया था गाड़ी का। तो फिलहाल हम लोग अभी टायर वगैरह खोल रहे हैं, अपने गाड़ी का पंचर वगैरह बनवाएंगे। ये होटल पर रुके हुए हैं, देख सकते हैं ये रानीगंज है भाई। तो चलिए पहले पंचर बनवाते हैं, चक्का खोला जा रहा है, चक्का अगर खोलते हैं दो भाई मिलके। पोषण फिलहाल जग लगाने का तैयारी कर रहा है, हम इधर मस्त लगा के रिंजिस रेडी है कि कैसे जग लगेगा, उसके बाद हम चक्का खोलेंगे और जस्ट हमें कहीं दौड़ना नहीं है, पीछे ही भाई पंचर का दुकान भी है। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बगल में भाई बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक एंड आसनसोल से अगर देख रहे हैं भाई कॉमेंट करके जाना है भाई, ठीक है कि आसनसोल से देख रहे हैं। तो चलिए पहले खोलते हैं फटाफट, फिर चलते हैं बनवाते हैं इसको। सो फाइनल टायर अगर खोल लिया है, अभी चलते हैं पंचर चेक करवाते हैं। पोषण गाड़ी में बैठोगे कि हम जाएं कि चलोगे साथ में? तो चलिए साथ में ही चलते हैं, अकेले अकेले बैठ के बोर हो जाएगा। चलो गेट बंद करो फिर निकलते हैं साथ में। तो फाइनली पोषण भाई चक्का निकाल के गाड़ी चला रहा है, देख सकते हैं ये देखिए गाड़ी से निकालने के बाद चलाया जा रहा है इसको। पंचर की दुकान पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हमारा टायर को खोला जा रहा है, देख सकते हैं भाई। तो फिलहाल भाई ट्यूब में हवा भर के अच्छे से चेक किया जा रहा है क्योंकि बहुत बारीकी है, मतलब हल्का सा एकदम थोड़ा सा कहीं पे है पंचर, बहुत हैवी वाला नहीं है, तो इसीलिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे चेक करना पड़ता है मिला के कि भाई कहीं से हवा निकलेगा। भाई उस साइड में अपने गाड़ी का पंचर बन रहा है और हम आ गए हैं सत्तू पीने के लिए। एक चाचा जी सत्तू बना रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली काफ़ी भूख लगा हुआ था तो हम सोचे ना कि पहले सत्तू पी लेते हैं, जब चक्का अगर लगा लेंगे अपने गाड़ी में फिट कर लेंगे उसके बाद फिर खाना अगर खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। फिलहाल भाई हमारे गाड़ी में लग रहा है ओमनी पेज क्योंकि हल्का सा कट मारा है कहीं से, देखिए ये देखिए ये क्या चीज़ से हुआ होगा भाई, गिट्टी से ना, गिट्टी डी से ना, तो ओमनी पेज 35 नंबर का लगवा रहे हैं देखिए। फिलहाल भाई इसको भी रगड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसको ओमनी पेज को बैठा जा रहा है यहाँ पे। फाइनली अपना पंचर अगर बन के हो चुका है रेडी, फिलहाल अभी हवा अगर डाला जा रहा है तो फटाफट जाएंगे अभी गाड़ी में फिट करेंगे, फिट करने के बाद भाई खाना अगर खा के रेस्ट करेंगे और शाम को निकलना है लोडिंग पॉइंट की तरफ गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। तो चलिए जब जाएंगे लोडिंग करने के लिए तो बताएंगे आप लोगों की कहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। फिलहाल तो भाई टायर कसना है, थोड़ा सा मुंह अगर धोना है, उसके बाद खाना खा के रेस्ट करना है भाई। फाइनली चक्का अगर हम लोगों ने कस दिया है तो अभी जा रहे हैं भाई खाना अगर खाने के लिए। चला जाए भाई खाना खाने, चलो काफ़ी ज़बरदस्त भूख लग चुका है, पता दिन का 12 बज चुके हैं भाई और अभी खाना खा के रेस्ट भी करना है हम लोगों को। अभी खाना अगर लग चुका है भाई, फिलहाल हम लोग खाना अगर खा रहे हैं यहाँ बैठ के मस्त, इधर पोसे इधर हम अभी जस्ट पेप्सी भी मंगाए, पेप्सी पीने का मन कर गया था। तो चलिए फटाफट फिनिश कर लेते हैं खाना को। भाई साहब हम लोग का खाना पीना हो चुका है, आ चुके हैं गाड़ी पे, अभी जा रहे हैं हम लोग वो पेड़ के नीचे गाड़ी लगा के सोएंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई गर्मी है और धूप भी निकल चुका है अच्छा खासा वाला।
हम लोग जा रहे थे सोने के लिए और भैया हमारा वीडियो देखते देखते आए हैं और देखने के बाद बोल रहे हैं भैया ये आप ही का वीडियो है ना। तो यही प्यार चाहिए भाई, यही प्यार चाहिए। तो चलिए फिलहाल काफी दिनों से देख रहे हैं क्या? नहीं आज ही देखे थे। अच्छा आज ही अपने आप आ गया ये वीडियो आपके साथ? नहीं अभी आया है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है ना कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा जाता है ना वहाँ पे अपने आप फ़ोन में पहुँचते ही रहता है वीडियो। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगता है। कैसा लगा मेरा वीडियो? बहुत अच्छा। शाम का टाइम है, जस्ट अभी सो के उठे, अपना भाड़ा घर अभी कन्फर्म हो चुका है। तो हमारे ये दो भैया आए मालो। तो भैया लोगों का काफ़ी प्यार मिलता है वीडियोस अगर देखते हैं बराबर आपके पास, हम सोचे थे भेंट करने के लिए किंतु समय नहीं मिलता आपसे भी भेंट करने। और बताइए कैसे हैं भैया? हाँ सब ठीक है। आप कैसे हैं? हेलो हेलो। चलिए तो अभी चलेंगे थोड़ा तालों को चाय अगर पीते हैं, उसके बाद फिर पोसन भी उठ चुका है, हम भी उठ चुके हैं। अभी अपना लोडिंग कंफर्म हो गया, लोडिंग करने जाना है। थोड़ा सा कुछ मैटर फंस गया था, कल रात को मैंने फर्स्ट टाइम रिचार्ज वगैरह किया था, अभी तक रिचार्ज हुआ नहीं। वो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह कंपनी में मेल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो पैसा हमारे अकाउंट में रिफंड आएगा। तो वही सब हम कार्य कर ही रहे थे तो भैया लोग आ गए हैं। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा भैया लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। अपना लोडिंग भी कंफर्म हो चुका है भाई, हमें जाना है झालग्राम। पिछले साल सोचा था कि जाना है झालग्राम, लेकिन भाई हो नहीं पाया था क्योंकि नए नए थे पिछले साल और हमें झालग्राम के लिए कोई बुकिंग भी नहीं दे रहा था। तो फाइनली इस साल जाने वाले हैं और फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं झालग्राम, वो भी काफ़ी। और झालग्राम से लोडिंग करने के बाद टोटल हमें 1000 किलोमीटर दूर जाना है गाड़ी को खाली करने के लिए। कहाँ जाना है वो सब कुछ आपको पता चलेगा, बताते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? तो पहले अभी इधर हो रहा है अपने काशी का साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। पहले काशी का थोड़ा साफ़ सफाई कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बगल में चाय का दुकान, पकौड़ा का दुकान खाएँगे, उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे। क्या पोजन? ठीक है तो चलिए। और देखो भाई कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो शाम हो रहा है ना तो कितना प्यारा लग रहा है ना कलर, ये देखो। तो फाइनली हम लोग का पनीर पकौड़ा का लग चुका है, तो कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है। अच्छा है, एक नंबर। एक नंबर। ये कितने का मिला? ये 10 रुपये पीस है। अरे यार इतना बड़ा पीस तो आपने बनाया, उसमें साला 30-40 रुपये ले लेगा। 30-40 ले लेगा ना, फिर भी इतना बड़ा पीस नहीं देगा। नहीं देगा ना। एक बार दिखा दो, एक बार उठा के दिखाओ पीस। ये देखो इतना मोटा है यार, स्लाइस है ना, ये देखो, ये देखो भाई। 10 रुपये पीस, बहुत सस्ता है। तो पोषण चौक गया, बोला कि 10 रुपये पीस में इतना है भी पनीर। तो चलिए ये पनीर पकौड़ा खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे सफ़र में आगे। एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना भाई। भाई निकल चुके हैं सफर पे, एक बार भाई आगे बढ़ने से पहले भगवान का नाम हो जाए, प्रेम से बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा। एंड बोलते हैं एक बार महादेव का नाम, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। हो चुका है भाई अपना डीजल टैंक फुल। लाइट नहीं हुआ, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए, और धीरे धीरे लाइट वो नहीं है, टॉर्च मारिए, टॉर्च मारो। तो तेल तो भरवा लिया एंड पैसा भी गिन लिया, लेकिन पोसर वहाँ पे ऑफिस में जा रहा जमा करने के लिए, क्योंकि चाचा बोल रहे हैं यहाँ पैसा नहीं लेते आप लोग ना, डायरेक्ट ऑफिस में देना पड़ता है पैसा। अच्छा चलिए ये भी सही है, क्योंकि हाईवे है ना तो थोड़ा सा सिक्योर होना पड़ता है, कोई आया पता चला झोला उठा ले चल दिया क्या, इसका भी डर रहता है ना, सही बोल रहे कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है पेट्रोल पंप पे भाई, पेट्रोल में चोरी करना मामूली खेला नहीं भाई। तो चलिए फिलहाल पैसा पोसन जमा करने गया, उसके बाद निकलेंगे रानीगंज। बोला पता है रात को खाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं बिरयानी वगैरह पैक करवा लेंगे, हम लोग झालग्राम पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद बिरयानी खाएंगे। अभी 6:30 बज रहा है और हम लोग को पहुँचते पहुँचते बोला 10-11 बज जाएगा, तो वहाँ पर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया रानीगंज का बिरयानी का ही फेमस है, पैक करवा लेंगे उधर ही जाए खाएंगे बस बिरयानी दुकान में। और भाई यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है, क्या बता रहे थे ऑफर? 2 प्लेट में 1 प्लेट फ्री। भाई साहब 100 रुपये का बिरयानी है, 100 रुपये प्लेट है, तो हम लोगों को तो 2 प्लेट लेना ही था हमारे लिए और पोषण के लिए। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि 2 प्लेट अगर आप लेते हैं तो 1 प्लेट फ्री भी है, तो भैया हमारा 2 प्लेट पैक कर देना, देखते हैं भाई 1 प्लेट फ्री सही में मिल जाएगा। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम लोग रानीगंज, जैसे कि देखा बिरयानी अगर पैक करवाए उसके आगे बढ़ ही रहे थे तो हमारे एक भाई साहब मिल गए हैं। तो एक्चुअली इनका
काम है गाड़ी का बॉडी बनाना, गाड़ी का पेंटिंग करना, अच्छे से अच्छे कम रेट में छोड़ना। तो हमने भैया से इंस्टाग्राम से बात किया था, तो इन्हीं के यहाँ पे अपने गाड़ी का पूरा काम करवाना है। अच्छा ये बताइए, अंदर का सीट भी चेंज कर देते हैं जो अंदर का सीट जो बंगाल वाला अंकल आती वाला हो जाता है ना वो? चलिए, तो काफ़ी सारा काम भैया के यहाँ पे करवाने वाले हैं। अगले महीना हमारा कहीं पेमेंट फंसा हुआ, वो पेमेंट आने वाला है, तो वो पेमेंट जैसे ही अपने आ जाता है तो भैया के यहाँ पे काम करवाएंगे। रानीगंज में कहाँ पे दुकान आपका है? सोगा पेट्रोल पंप तार बंगला। अच्छा, तार बंगला में इनका है, तो आके यहीं पे करवाने वाले रानीगंज में, वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन सा गाड़ी काम करते हैं हर एक चीज़ आपको हम अपने वीडियो में बताएंगे, अभी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचने वाले हैं हम लोग, ऑल टोटल गाड़ी। हाँ हाँ, तो चलिए चाय पीते हैं भैया के साथ, फिर निकलते हैं। बाकी क्या क्या काम करवाने वाले हैं वो आपको अगले महीने से पता चल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का पूरा समझ लीजिए कि लुक चेंज होने वाला है। लुक चेंज कर दो करवाए हम लोग नया गाड़ी का टोटल 55,000 रुपये लेते हैं ऑल टोटल। क्या क्या देते हैं? सब चीज़। नहीं नहीं, क्या क्या देते हैं सब चीज़ में, क्या क्या देते हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है? हाँ, जब यहाँ पे 5 से 6 दिन रानीगंज में हम रहेंगे तो फिर आपको पूरा वीडियो बताएंगे कितना क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो चलिए फिलहाल चाय पिला दिया भैया ने, अभी निकलते हैं हम झालग्राम की तरफ आगे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं सिल्दा, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैंने गाड़ी को लगा दिया, यहीं पे रात को सोएंगे। अब एक्चुअली टाइम हो चुका है रात का 11:30 और हम लोग सिल्दा से बिनपुर वाले रोड पे जाना है, बिनपुर से अपना गाड़ी लोडिंग करना है। तो अगर सिल्दा बिनपुर इधर से कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फर्स्ट टाइम इधर हमारा लोडिंग होने वाला है। और काफ़ी सिंगल रोड था, कोई भी गाड़ी वाला आता है तो काफ़ी सावधानी से आइएगा, एंड रात को आ रहे तो और भी काफ़ी सावधानी से आइएगा, हालांकि गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो चलिए कल सुबह का लोडिंग है तो यहीं पर सोएंगे। तो हम लोग का ये बिरयानी वगैरह लग चुका है, पोषण इधर बैठा है और आपका वीडियो भाई इधर बैठा है, तो दोनों भाई मिलके मस्त बिरयानी खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे सुबह लोडिंग के लिए। तो एक्चुअली 2 प्लेट बिरयानी हम लोगों ने लिया था, 3 प्लेट मिला हुआ, 1 प्लेट इधर और है। तो हम लोगों ने रास्ते में किसी को देने वाले थे खाने के लिए, लेकिन कोई भी मिला नहीं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हम ही लोग खा लेंगे, भाई फेंकना तो है नहीं ना, पेट में जाना है। तो चलिए पहले खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट मॉर्निंग में। मॉर्निंग हो चुका है, सुबह जस्ट भाई अभी उठे हैं और हमारे कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए। हेलो भाई, कैसे हैं? तो एक्चुअली जिस पार्टी का माल हम लोड करने के लिए जा रहे हैं ना, उसी पार्टी का माल भाई लोग भी लोड करने के लिए जा रहे हैं। तो अपना काशी का साफ सफाई मैंने कर दिया सुबह सुबह उठ के, तो साफ सफाई तो जरूरी होता है ना, पहले उठिए पहले गाड़ी वगैरह साफ कर लीजिए, उसके बाद माइंड फ्रेश रहता है। तो चलिए पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर भाई लोगों के साथ में निकलते हैं लोडिंग पॉइंट पे। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं उड़ने के लिए। तो इधर है बंगाल टाइगर, जाइए जाइए, निकलिए निकलिए निकलिए। तो ये भाई साहब बंगाल का मॉर्निंग, तो देख सकते हैं जब रात को इस रोड से आ रहे थे ना, एक तो पूरा सिंगल रोड था और काफी आराम से आ रहे थे, मस्त हम लोग टाइम से यहाँ पे पहुंच गए थे। लेकिन हमने सोचा कि यार रात का वीडियो है तो ज्यादातर दिखा नहीं पाया था, लेकिन आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है ना, उसको आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस रोड पे आए, लोडिंग भी फर्स्ट टाइम इस रोड से कर रहे हैं और पहला एक्सपीरियंस, तो काफ़ी आप लोग एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल चल रहे हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ आगे। साहब अभी हम लोग मिनी जंगल में एंट्री कर चुके हैं भाई, ये क्या चीज का पेड़ है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यार, ये देखो, पता नहीं भाई क्या चीज का पेड़ है, छोटा छोटा लंबा लंबा है। मिनी जंगल कह सकते हैं भाई, मिनी जंगल। सो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं बिनपुर मार्केट, तो यहीं से इसी के अगल बगल गांव से कहीं से गाड़ी लोडिंग करना है। तो चलिए फिलहाल गाड़ी को करते हैं लॉक, और एक सेकंड भाई, हाँ गाड़ी लॉक हो चुका है।
चलो भाई चाय गाड़ी पिलाते हैं आप सबको। ये देखो भाई दोनों गाड़ी अपना इधर लग चुका है। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं चाय गाड़ी पियेंगे। पार्टी से बातचीत हो चुका है, पार्टी बोला कि भाई बिनपुर के पास जो मंदिर है यहीं पर गाड़ी लगा लीजिए, हम वहाँ पर अपने आदमी को भेज दे रहे हैं और वो आपको पिकअप कर लेगा, उसके बाद जहाँ पर लोडिंग करने जा रहा है वहाँ पर लेके चलेगा। तो चलिए यहीं पर चाय अगर पीते फिर बातें करते हैं। चलिए अब चाय भी फिनिश कर लेते हैं। ये काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मतलब चाय अगर तो हम लोग का हो ही चुका था, उसके बाद बैठ के इंतजार कर रहे थे कि भाई कब हमारा पार्टी आएगा और कब तक हम लोडिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो फिलहाल एक भाई आप भी चल रहे हैं ना? हाँ 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 चलिए आप चलिए, भैया का जाएगा रक्सौल और हमारा कहाँ जाएगा अभी कंफर्म नहीं, हम लोडिंग करने के बाद आप लोगों को बताएंगे, वो तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा, मतलब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा कल का ब्लॉग उसमें आप लोगों को पता चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल पता है कुंद के जो अभी ए देखिए ठीक है अच्छा तो चलते हैं। तो फिलहाल भाई अभी गाड़ी में लोडिंग हो रहा है चटाई, तो ये चेक कर रहे हो भाई चटाई चटाई अगर लोडिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब माल लोडिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर से बांधने के लिए ताकि माल अगर ख़राब ना हो। तो चलिए चटाई लोड करना है, अभी बोरी लोड करना है, उसके बाद फिर आगे चलना है। हम लोग गाड़ी को साइड में लगा दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए, और एक गाड़ी जो था आसनसोल का वो चला गया लोड करने के लिए क्योंकि उसको ना जाना है बिहार और हमें जाना है टोटल 1000 किलोमीटर, तो हमारा लॉन्ग सफ़र होने वाला है। एक्चुअली ज़्यादा धूप में अगर माल लोडिंग करके छोड़ेगा ना तो माल हो जाता है ख़राब, तो इसी वजह से थोड़ा सा शाम को छोड़ेंगे, मतलब मान के चलिए 1 बजे या फिर 2 बजे गाड़ी यहाँ से हम लोग का छूट जाएगा लोडिंग होके, उसके बाद पूरा दिन चलना है, पूरा रात, फिर पूरा दिन, फिर पूरा रात, तो 1000 किलोमीटर का सफ़र है, तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं हम लोग दोनों भाई मिलके। क्या भाई तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे लोडिंग पॉइंट पर। तो दिखाते हैं आप लोग को, तो यहाँ का छोटा लोकल मार्केट है, देख सकते हैं काफ़ी सारा हरा हरा सब्जी मटर वगैरह सब रखा हुआ है भाई। ये देखिए नाश्ता की दुकान पे और हम लोग का नाश्ता लग चुका है। एक्चुअली यहाँ का ये लोकल फूड है, ये है दाना, मतलब हम लोग बंगाली में मूढ़ी बोलते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा सब्जी है और इधर है प्याज का पकौड़ा है कि आलू का पकौड़ा, हाँ प्याज का है, ठीक है ये प्याज का पकौड़ा है, तो इसको भी खाते हैं। तो चलिए यहाँ का लोकल नाश्ता करते हैं, घुगनी मूढ़ी, लेकिन घुगनी नहीं दिख रहा यार, आलू का सब्जी दिख रहा, नहीं घुगनी है। और यहाँ पे देखिए टिकट बिक रहा है, ठीक है ये एक्चुअली बंगाल वगैरह में ना काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत लोग खेलते भी हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये टिकट लेने के बाद बहुत लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और बहुत लोग करोड़ों रुपए गवा भी चुके हैं, तो ये आपके किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका किस्मत लक कैसा है। अच्छा उन्हें जो ने बारह है, बारह है उन्हें जो ने, तो आपने कहा था कारोबारी से कुछ दिन, हाँ तो मैंने इनसे पूछा, ये बोल रहे कि हमारे यहाँ से भी बहुत लोगों का निकलता है, तो काटा ले मतलब कत टका काटा ले कत टका बारह है टिकट, 30 टका 60 टका, तो 30 रुपये और 60 रुपये का टिकट है, तो 30 रुपये वाले में कितना पैसा मिल जाता है अगर निकलेगा तो? 600 टका निकलेगा। अच्छा 30 रुपये में 600 रुपये भी निकल जाता है, और बताइए कुछ इसके बारे में। 45,000 तक निकल सकता है, 1 करोड़ तक निकल सकता है, ओ भाई साहब 1 करोड़ भी निकल सकता है, ये लॉटरी खेल के आप 1 करोड़ कमा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 करोड़ लिखा भी हुआ है, ठीक है ये देखिए हर टिकट में 1 करोड़ 1 करोड़ सब लिखा भी हुआ है, तो देखिए ये आपके लक पे डिपेंड करता है। अच्छा क्यों 1 करोड़ का जीते चाहिए मोहल्ला तक जीते चाहिए अनेक लोग, तो देखिए दादू भी बोल रहे और भैया बोल रहे जीता है कोई, अच्छा मतलब बोला कि बहुत लोगों ने करोड़ रुपये जीता है, और आरो अनेक जन कत टा बर्बाद कर दीचे लेकिन एखो एक बारा देते परि एट सब समय देखिए ये भी बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपका निकल गया तो निकल गया। ये भी बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा भी चुके हैं आदमी नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी किसी का 1-2 बार में ही निकल जाता है। तो चलिए फिलहाल हम तो बोलेंगे कि भाई ये सब नहीं खेलना सही है, क्या पसंद सही खेलना सही है क्या लगता है तुमको? जहाँ जैसा नियम जहाँ के दो, हाँ अपने यूपी में तो नहीं होता, हाँ अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो चलिए फिलहाल अपने गाड़ी के पास में जा रहे हैं, नाश्ता पानी लेकिन अपना काफ़ी अच्छा हो गया सुबह। हाँ तो भाई काफ़ी देर हम लोगों ने रेस्ट वगैरह कर लिया, खाना भी दोपहर का हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने गाड़ी को लेकर लोडिंग पॉइंट की तरफ। एक भाई साहब बैठे हुए हमारे गाड़ी में, ये लेके जाएंगे जहाँ से गाड़ी को लोडिंग करना है। तो ये भाई कुछ गाँव का व्यू, ये बिनपुर में पड़ता है ना, बिनपुर, क्या
बात है भाई साहब, हमारे गांव का याद आ गया यार। एक बार ये मार्ट चेक करें भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, काली काली सा है भाई। मतलब अभी धान का खेती हुआ था इधर, तो धान पूरा कट चुका है, तो ये बचा हुआ है पूरा। और पता है भाई, हम जब छोटे थे ना, तो ये सब हम लोग खेत से निकाल के लेके आते थे रात को जला के खाना घर बनाने के लिए। तो चूल्हे में खाना घर बनता था, तो धान काटने के बाद जो नीचे का बच जाता है इस तरह, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा, तो यही बोलते हैं। और हम लोग कुछ शायद और बोलते थे, तो हर एक जगह का अलग अलग हिसाब है यार, हर एक जगह अलग बोला जाता है। तो भाई नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा खाली खाली एकदम, पूरा मेरे गाँव के जैसा भाई। तो भाई आप लोग ये घर चेक कर रहे हो, कितना मस्त मस्त घर बना हुआ है ना, ये देखो भाई, ये देखो दो तल्ला घर इसको बोलते हैं हम लोग। हाँ ये देखो, यहाँ पे भी देखो दो तल्ला घर है यार, क्या बोलते हैं, दलान घर, दलान घर, ये देखो भाई। अभी एक जंगल पार किए, एक गांव आया, फिर से अभी एक जंगल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद जो ये जंगल खत्म होने के बाद जो गाँव आएगा, उसी गाँव से हमारा गाड़ी का लोडिंग है। तो ये देखिए भाई, जंगल में आ चुके हैं, घुस रहे हैं भाई, ये देखो भाई, घुस गए, ये देखो भाई, चलो आ गए जंगल में। ये सब पूरा जंगली पेड़ है भाई। तो भाई देख सकते हैं, सुबह से ये गाड़ी यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन अभी लोडिंग इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है, ये चेक करो भाई। देखो हम सोचे इसका लोडिंग हो गया होगा, हम काम को लगा कुंदी का लगाबो ऐदिक लगाबो ऐदिक अच्छा वही कहाँ लगा वो। तो चलिए गाड़ी को साइड लगा लेते हैं भाई, इधर ही बोला छाव में लगा लीजिए अभी। फाइनली लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी को मैंने इधर साइड में लगा दिया है। बता दे भाई, आते टाइम ना रास्ते में हाथी अगर दिख रहा था भाई, जंगल में भागते हुए, ठीक है, तो काफ़ी इधर हाथी अगर रहता है, तो झुंड भाई झुंड निकलता है हाथी हमेशा, यहाँ पे जहाँ हाथी निकलते ही रहता है। तो ये थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, यहाँ से 40-50 किलोमीटर तो उड़ीसा का बॉर्डर आ जाएगा, तो इसलिए गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है। और किसान लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा यहाँ पे चिल्लाओ मत, नहीं तो हाथी आ सकता है। तो बोल रहे हैं कि कल ही यहाँ पे हाथी आया था, और हम उधर देखे ना तो जंगल की तरफ भाग रहा था हाथी, तो काफ़ी मतलब रोड में कभी भी हाथी आ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाथी आता है, क्या बताएं, डर भी लग रहा है अंदर से यार, कि अगर हाथी अगर आ जाएगा भाई, अभी भी आ सकता है कि नहीं झटके में, अभी नहीं आएगा ना, किधर किस साइड में रहता होगा, जंगल अंदर भीतर उतर में जहाँ पर अंदर ना पानी तो है। वो भैया बोल रहे हैं कि परसों आया था, परसों अच्छी लो, परसों निकल जाता है ना, कुंदिक ऐसी लो, कुंदिक कुंदिक अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमेशा आते रहता है, उधर से भी आ रहे थे तो अंदर की तरफ जा रहा था। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा माल अगर इधर तैयार हो रहा है, अपने गाड़ी में लोडिंग होने वाला है करेला, लेकिन ये नहीं बताएंगे भाई इस ब्लॉग में कि कहाँ पे जाना है लोडिंग करने के बाद, आपको नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। पहले ही बता देते हैं, टोटल 1000 किलोमीटर का अपना सफ़र होने वाला है, यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं कि 1000 किलोमीटर अपना होगा, वो सब कुछ आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, और कुछ देर में लोडिंग करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।